गेम कितना स्पीड पे है, 60 के स्पीड पे है और वो भी थर्ड नंबर गियर है, वो भी थर्ड नंबर गियर है। और भाई पहली बार गाड़ी चला रहे हो और 60 का स्पीड तो और क्या चाहिए, है कि नहीं? यस यस। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मस्त होंगे। तो गाइस अभी का सीन क्या है ना कि आपको ये जो गाड़ी है ना, इससे पहले अभी तक हमको गाड़ी चलाना नहीं आता है और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर आपको गाड़ी कैसे चलाना है, कैसे गियर डालना है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो सीखते हैं ना उनको गियर में ही पता नहीं चलता कि कैसे क्या गियर कैसे डालना होता है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम आपको ये गाड़ी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप गाड़ी को कैसे चला सकते हैं। तो बिना कुछ लेट किए हुए चलिए वीडियो में। और अभी जो हमको गाइड कर रहे हैं वो एक भाई है मेरा, तो उसको भी बुला लेते हैं वीडियो में। तो आ जाओ भाई। हेलो अभिषेक। हेलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये जो है ना, ये अभिषेक शुक्ला, ये अभी हमको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। तो आप कैसे कैसे सिखाइएगा, आपको अंदर चल के बताइए। जी जी। तो देख सकते हैं अभी अंदर चलते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये क्या चीज है ये तीनों? तो ये देखिए, ये है एबीसी ऑफ द कार, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड लास्ट वन क्लच। क्लच, तो ये है क्लच, ये है ब्रेक और ये है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर। अब सबसे पहले कैसे हम स्टार्ट करें इसको? तो सबसे पहले यहाँ पे चाबी से ऑन स्टार्ट करना होता है क्या? यस। अच्छा, चाबी से स्टार्ट, चाबी से आप गाड़ी को ऑन कर लीजिए। हाँ, तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी ऑन है, ठीक है, क्योंकि आजकल की जितनी गाड़ी है वो सब फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पे आती है। तो उससे क्या होता है कि जब ऑन एक बार कर लीजिए, ज्यादा नहीं 10 सेकंड के लिए ऑन ही छोड़ना रहता है। अच्छा अच्छा, फिर अब स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें अब गियर का। तो सबसे पहले बताइए कि हम गियर कैसे लगाएंगे? ये गियर है, ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, बहुत सारी गाड़ियों में 6 स्पीड भी आती है। हाँ। तो वो यहाँ पे मार्क रहेगा क्या है, ठीक है। तो ये हो गया 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये सबसे लेफ्ट का अपर में हो गया फर्स्ट गियर। अच्छा अच्छा। लेफ्ट का लोअर में सेकंड गियर। अच्छा। उसी तरह से मिडिल में, मिडिल अपर थर्ड, मिडिल लोअर फोर्थ, और ये राइट का फिफ्थ, और ये लास्ट वाला रिवर्स, रिवर्स होता है वो क्लच के बाद रिवर्स लगेगा। मतलब क्लच लेने के बाद क्या बोलते हैं, गियर को लगाना रहता है, पहले स्टार्ट कर लेना है। अच्छा अच्छा, चलिए। तो गाइस ये देखिए, ये है हमारा की और की को यहाँ पे हम लगा देते हैं। सबसे पहले आप की से ऑन कर लीजिए गाड़ी को। की से ऑन कर लीजिए गाड़ी को। गाड़ी का, हाँ, गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया। अब इग्निशन, ये है इग्निशन बल्ब, ये अब ऑफ हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लीजिए। नॉर्मल क्लच, पहले क्लच प्रेस करिए। क्लच को प्रेस कर लिए, अब सिर्फ बस अब गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, बंद करिए चाबी आउट। हाँ, तो ये देखिए, ये चाबी निकाल लिए हम लोग। अब इसको हम दोबारा लगाते हैं और इसके बाद यहाँ से सबसे पहले ये इग्निशन ऑन हो गया। हाँ। अब उसके बाद क्या करना है, क्लच पे पैर रखना है। हाँ, सबसे पहले क्लच में पैर रख के। हाँ, हाँ। कभी भी ये याद रखना है, कभी भी गियर इंगेज करना है तो हमेशा क्लच लेके। हाँ, चाहे कभी भी, ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करें, एक नंबर गियर लगाए। सबसे पहले अब ये रूल क्या होता है कि हैंड ब्रेक डाउन कर लेना और ब्रेक, एक राइट वाला पैर ब्रेक पे रख लीजिए, राइट वाला पैर ब्रेक। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद गियर लगाए। नहीं नहीं, क्लच प्रेस कर लिए हैं। क्लच प्रेस कर लिए, फर्स्ट वाला गियर, फर्स्ट वाला गियर जी। तो यहाँ पे ऐसे गियर लगा के अब क्या होता है, बहुत बहुत स्लोली स्लोली ब्रेक रिलीज करिए, ब्रेक रिलीज करें और क्लच छोड़े ना। हाँ, क्लच धीरे धीरे छोड़िए। देखिए डीजल कार्स में क्या होता है कि आप सिर्फ क्लच भी छोड़ के गाड़ी को मतलब एक्सीलरेट कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल कार्स में क्या होता है कि उस पर टॉर्क कम रहता है, इसलिए आपको एक्सीलरेटर लेना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ये डीजल कार है तो इसमें बस कुछ नहीं, क्लच धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए। अच्छा, गाड़ी हमारा स्टेशन में हो गया, आप इसको ऐसे चला सकते हैं। हाँ, बस। अब ये बताइए ना कि बहुत से लोगों का क्वेरी होता है, जैसे कि अभी हम चला रहे गाड़ी, तो अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, ये मेरा एस्केलेटर और फिर ये टायर का जो डायरेक्शन है ना, वो हम कैसे देख सकते हैं, इसके लिए कोई क्या उपाय हो सकता है? हाँ, उसके लिए उपाय है, चलिए कहीं स्ट्रेट कर लीजिए कार को। हाँ, स्ट्रेट कर लिए। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं? तो बस करना ये है कि आप सबसे पहले इसको एकदम सेंटर में रख लेना है, इसको जैसे ये सेंटर में हो। हाँ, ये सेंटर में हो गया, ठीक है। और आपको ये वाला पोर्शन, लेफ्ट का लास्ट पोर्शन और राइट का लास्ट पोर्शन एकदम ध्यान से एकदम देखना है। हाँ, तो आप वही मान सके वहीं पे टायर्स है, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो। अच्छा, अच्छा। उसी के जस्ट नीचे टायर्स है। अच्छा, बस ये आपको अपना मार्जिन लेकर चलना है इतना। दोबारा गियर अगर एंगेज करना है, गियर फिर से क्लच प्रेस करिए, पहले क्लच प्रेस करिए, आराम से प्रेस करिए। अब इसके बाद दो नंबर गियर लगा दिए। और अगर कोई नया आदमी हो तो एक बार समरी अभी कर लेंगे फिर से, ठीक है। बस अब ये भी होता है ना कि आप जब गाड़ी चलाते हैं सामने, तो ये ग्लास हम लोग, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ग्लास देखना भूल जाते हैं। हाँ। या कुछ ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, तो सबसे पहले ये ग्लास से हम क्या करते हैं, पीछे का सीन देखते हैं। हाँ, इसका नाम है ओवरव्यू, ओवर रियर व्यू मिरर, ठीक है। और ये हो गया आपका लेफ्ट ओवरव्यू, वो हो गया राइट ओवर, राइट ओवर, ठीक है। उससे आपका गाड़ी का राइट का पोर्शन सब कुछ पता चलेगा और इससे लेफ्ट का पोर्शन, ये सारे ड्राइवर्स अपने अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेने, इससे ये एडजस्ट हो जाता है। बहुत सारे गाड़ी में इलेक्ट्रिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है।
तो अब इसमें और कुछ करना होता क्या? जैसे अब तो स्टार्ट तो गाड़ी कर लिए, लेकिन अब इसे ब्रेक भी लेना है। ब्रेक भी तो लेना, ब्रेक कैसे लेना है? तो ब्रेक अगर आप एक अचानक ब्रेक पे ही सिर्फ पैर करिएगा तो देखिए गाड़ी बंद हो जाएगा। ब्रेक लेकर देखिए गाड़ी बंद हो जाएगा। ब्रेक ले लीजिए अचानक, गाड़ी बंद। देखिए ऐसे बहुत झटका से ब्रेक, मतलब झटका से बंद होता है। तो इससे क्या हुआ कि गियर बॉक्स से काफी असर पड़ता है। गियर बॉक्स तो सही तरीका क्या है, चलिए स्टार्ट करके फिर से बताते हैं। तो गाइस अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने देसी भाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे अभी हम न्यूट्रल कर लिए हैं, इसके बाद कर लिए एक नंबर में गियर डाले, उसके बाद स्लोली स्लोली क्लच को छोड़ना है और एस्केलेटर को लेना है ना। सही से देखिए अब ये गाड़ी मोशन में है तो हमें एकदम एक स्मूथ ब्रेकिंग करना है गाड़ी का। ठीक है, तो आराम से क्या करें, पहले क्लच पे प्रेस कर लीजिए और एस्केलेटर पहले क्लच पे प्रेस करेंगे, एस्केलेटर को छोड़ एस्केलेटर रिलीज कर दीजिए। ठीक है, क्लच पे प्रेस कर लीजिए और आराम से एकदम बस ब्रेक लेना है, जेंटल ब्रेक। बस गाड़ी रुक गया, उसके बाद काफी आसानी से उसका फिर न्यूट्रल कर लेना है। उसके बाद न्यूट्रल कर लिए, न्यूट्रल करने के बाद फिर अपना वही एक नंबर गियर लगाना है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ते रहना है। बस धीरे धीरे गाड़ी खुद मोशन, अगर गाड़ी मोशन में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा एस्केलेटर का यूज कर लेना है थोड़ा सा। मतलब इस गाड़ी की मैक्सिमम टॉर्क की, तो इस गाड़ी का मैक्सिमम टॉर्क क्या पड़ जाएगा? इसमें 200 Nm का टॉर्क आ जाता है, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैक्स टॉर्क है। तो इससे ये डीजल कार है इस कारण से, और इंडिगो में ही पेट्रोल कार है तो इसमें 160 Nm का टॉर्क आता है। अच्छा, पेट्रोल वर्जन में 160 Nm का टॉर्क रहेगा। ठीक है, तो डीजल कार में मैक्सिमम टॉर्क होने का ये फायदा है कि जैसे कि देखिए इसमें एस्केलेटर नहीं लेना पड़ता है गियर, और ऐसे क्या है जब गियर एंगेज किया तो हमेशा आपको एस्केलेटर लेना पड़ेगा। इसको बैक करना है तो अब बात आता है, गाड़ी तो हम लोग आगे तो चलाना सीखे, तो चलान से किया, उसको बैक करना तो क्या, तो आराम से पहले एक ब्रेक ले लीजिए, जेंटल ब्रेक, आराम से क्लच प्रेस करके ब्रेक ले लीजिए। नहीं अगर इसको मुड़ाना है, हम ये बोल रहे हैं। अच्छा, अगर मुड़ाना है तो एकदम इजीली धीरे 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 अपना देख लीजिए राइट आरवीएम और एक और ये मतलब राइट आरवीएम और एक पीछे वाला मिरर देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद आराम से अपना धीरे धीरे बस स्पीड में नहीं मुड़ाना, नहीं ये चीज है ना। इसको ज्यादा स्पीड में मुड़ाएंगे तो फिर क्या दिक्कत होगा, फिर व्हील स्पिन होगा, हो सकता है कि टक्कर हो जाए। नॉर्मली बस ऐसे ही गाड़ी चलाना है। और बाकी फंक्शन का अगर बात कर ले तो क्या आपका म्यूजिक सिस्टम क्या चीज का है ये बताइए, सोनी का? ये सोनी का, हाँ ये कम उस टाइम ये 2016 की गाड़ी है। अच्छा, उस टाइम कंपनी फिटेड नहीं आता था। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, गाड़ी चलाना तो हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी हम ऑनर का रिव्यू भी ले लेते हैं। अब ये भाई साहब है ऑनर, तो इनका रिव्यू भी थोड़ा बनता है। तो आप ये बताओ ना कि आप कितने साल से ये गाड़ी को चला रहे हो? ये हो गया 6 years। इसका 6 years से आप चला रहे हो इस गाड़ी को, तो आपको गाड़ी कैसा लगता है चलाने में? मतलब इतना कह सकते हैं काफी अच्छा है ये अगर फैमिली पर्पज से देखा जाए तो। मतलब इससे हम बहुत मतलब ट्रैवल किए, जैसे यहाँ से रायपुर एक ही बार मतलब 600 किलोमीटर, उससे भी ज्यादा 800 किलोमीटर। तो मतलब एक सेडान के हिसाब से बहुत सही है। और सबसे अच्छा इसका बात करें कि सबसे अच्छा माइलेज है, माइलेज मतलब कितना देता है? सिटी में आराम से 20 का माइलेज और हाईवे पे 24-25 एकदम इजिली। मतलब मेरा टैंक टू टैंक एकदम नापा हुआ है। माइलेज का बात करते, माइलेज तो काफी, हाँ बस ये है कि टाटा मोटर्स ने बहुत गलत किया इसे बंद करके। अच्छा, इसको बंद कर दिया, ये डिस्कंटिन्यू हो गया है। इसके जो जस्ट निकला था वो भी डिस्कंटिन्यू हो गया, फिर जस्ट का फेसलिफ्ट हो गया टिगोर, तब वो चल रहा है। अच्छा, हाँ टिगोर अभी मार्केट में काफी ज्यादा चल रहा है। हाँ बट इस बार इस गाड़ी का एक अलग ही रुतबा था उस समय, मतलब फैमिली पर्पज से भी देखा जाए चाहे फिर कमर्शियल पर्पज से भी देखा जाए तो ये कार बेस्ट था, मतलब माइलेज से। और सबसे ये कार रखने का कारण है कि मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट। आप विश्वास नहीं करें, जैसे कि आप अभी सीख रहे हैं तो ये सब मिरर्स टूटना बहुत आम सा बात है, वर्किंग टूटना ये बहुत हमेशा लग ही जाता है उतना अगर अंदाजा ना रहे तो इसका प्राइस है मात्र 400 rupees। मतलब अगर बात कर ले एसेसरीज की, तो एसेसरीज में काफी सस्ता है। हाँ, मतलब 400 में, और अगर आप इलेक्ट्रिक वाला लीजिएगा वो एडजस्टेबल तो वो मात्र 1200 में। भाई हम तो गाड़ी चलाना सीख गए, कुछ और करना, बात नहीं कुछ और करना होता है क्या? तो अब रिवर्स करना सीखना है ना। हाँ, रिवर्स और फिर पार्किंग सीखना है, तो चलिए अब रिवर्स करना सीखते हैं। तो चलते हैं वहाँ पे, उसके बाद वहाँ से हम रिवर्स सीखते हैं, क्योंकि ये है सामने का रोड तो यहाँ पे और लोग गाड़ी चलाएंगे ना। तो थोड़ा जब भी आप गाड़ी सीखिए तो थोड़ा अच्छे जगह पे सीखिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे हो सकता है कि आप कभी दिक्कत हो जाए। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम गाड़ी चलाना सीख गए, फाइनली गाड़ी चलाना सीख गए सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो अब हम जानते हैं कि क्या है इसका रिवर्स का प्रोसेस। तो फिलहाल ये यहीं से गाड़ी लगा देते हैं, यहाँ से बैक करके करेगा? नहीं ऐसे ही ठीक है, यहाँ से बैक हो जाएगा ऐसे ही ठीक है।
तो देख सकते हैं अभी ब्रेक लगाना भी सीख गया एकदम जेंटली ब्रेक अभी हमने। और जब भी गाड़ी को पार्क करना है तो ब्रेक पे पैडल रख के, ब्रेक पैडल पे रखिए और हैंड ब्रेक लगा कर गाड़ी को पार्क कर लीजिए, गाड़ी को पार्क कर लीजिए ताकि पीछे का पीछे से गाड़ी ढले नहीं, चाहे आगे से भी दिक्कत नहीं हो ना। बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद कुछ नहीं, अब वही सेम प्रोसेस जैसे हम लोग आगे करते थे उससे से, लेकिन इस बार रिवर्स गियर में। अच्छा, इस बार गियर रिवर्स करना है अगर पीछे का करना। तो सबसे पहले ब्रेक ले लीजिए। ये मतलब ये एक नियम है कार का कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं कार को तो ब्रेक लेकर स्टार्ट करें और उसके बाद हैंड ब्रेक डाउन करें। तो हैंड ब्रेक डाउन कर लीजिए। तो ब्रेक हमने ले लिया, हैंड ब्रेक को भी डाउन कर लिया। हाँ, बिल्कुल। अब इसे रिवर्स गियर में एंगेज करना है तो रिवर्स गियर कैसे आएगा? ये राइट एंड ऐसे। अच्छा, ये राइट, उसके बाद लेफ्ट, उसके डाउन। अच्छा, उसके बाद डाउन। हाँ, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली जैसे, हाँ, जैसे एस्केलेटर छोड़ते हैं वैसे। और ध्यान क्या देना है कि तीनों आप अपना देख लीजिए ध्यान से कि लेफ्ट राइट और एक मिडिल वाला हुआ है ना। तो आराम से ये चीज हम स्टीयरिंग को पहले सीधा रख लीजिए कि आपको पता चले कि आखिर आप। अच्छा, स्टीयरिंग को भी सीधा रखना ताकि हमारा टायर कहाँ पे जा रहा है। तो बस यही धीरे धीरे इसको छोड़ते रहना बस। और उसके बाद अपना देख लेना है जैसे कि आगे में क्या होता है कि हम लोग अगर लेफ्ट जाना है तो राइट टर्न करते हैं, इसमें क्या है कि अगर राइट जाना है तो लेफ्ट टर्न करना है। भाई यार, इसका क्लच भी छोड़ रहे तो गाड़ी काफी ज्यादा स्पीड भाग रहा है। हाँ, ये टॉर्क का है। अच्छा, डीजल कार्स में ये नॉर्मली होता ही है, हर एक डीजल कार्स में। क्योंकि हम ये एक बार है ना डिजायर चला रहे थे तो डिजायर में भी, डिजायर सीख ही रहे थे उस टाइम भी, तो डिजायर में भी ये चीज हमको देखने को मिला था कि बस उसका नॉर्मली अगर क्लच जैसे ही छोड़ते ना गाड़ी काफी ज्यादा पीछे तेज। हाँ, और बाकी गाड़ियों में क्या देखे, अल्टो 800 भी सीख रहे थे तो उसपे देख रहे थे कि उसपे हमको एस्केलेटर पे पैर रखना पड़ रहा है। तो पेट्रोल कार था लेकिन डीजल कार में यही फायदा है, डीजल का यही फायदा है कि टॉर्क अच्छा मिल जाता है और फिर माइलेज अच्छा मिल जाता है। माइलेज अच्छा मिल जाता है, बिल्कुल। अगर ये बताइए ना कि हमारे जैसे और कोई नए अगर लोग कोई गाड़ी सीखने वाले होंगे तो उनको और क्या क्या करना चाहिए? हमने तो ये सीख लिया, रिवर्स का भी सीख लिया, बिल्कुल। और क्या करना चाहिए? और देखिए, सबसे अगर हम मेन बात बताएं तो उनको गाड़ी का ओनर्स मैनुअल जो मिलता है वो अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि कभी अगर सिचुएशन खराब हुआ, एक फ्यूज ही हो गया कार, तो वो फ्यूज अपने से रिपेयर कर सके, टायर पंचर हो गया तो स्टेपनी चेंज कर सके, तो ये सब बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार चलाने सीख गए तो कार लेकर निकल गए बस, मतलब बाकी सारा चीज मेंटेनेंस करना, चलाने आना चाहिए। बिल्कुल, उसके साथ साथ इसका कोई मैकेनिकल चीज भी मतलब थोड़ा बहुत खराब हुआ तो उसको बनाने वनाने आना चाहिए। तो चलिए, एक बार हम बिना देर किए हुए एक बार डायरेक्ट गियर लगाते हैं। नॉर्मली क्लच छोड़ रहे हैं एकदम, मतलब डीजल कार का भाई यही फायदा है कि उसमें एस्केलेटर नहीं लेना है। बिल्कुल, गाड़ी आप अगर रिवर्स करिए या फिर क्या बोलते हैं आगे चलाइए, कोई भी कुछ दिक्कत नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब चलिए, एक बार इसको हम बिना कुछ इनसे जाने हुए एक बार देखते हैं कि अभी हमने क्या सीखा है, इसको डायरेक्ट हम चला के टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, तो हम निकाल लिए हैं रोड पे एकदम मेन सामने, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस है। अब उसके बाद चलिए यहाँ पे इसका स्पीड देखते हैं। और ये टॉप स्पीड का देखा जाए तो मतलब 140 ये बहुत इजीली चल जाता है, और वो भी एक अच्छे माइलेज के साथ। काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है गाड़ी, वो तो रोड ऐसा है कि रोड नॉइज आ ही रहा है। अभी हम कितना स्पीड पे हैं? 60 के स्पीड पे हैं, और वो भी थर्ड नंबर गियर है, वो भी थर्ड नंबर गियर। और भाई पहली बार गाड़ी चला रहे हो और 60 का स्पीड तो और क्या चाहिए, है कि नहीं? यस यस। लेकिन भाई ये सामने कुछ 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 ये लग रहा है यहाँ बटन सेलिब्रेट हो रहा है। हाँ भाई, ये ध्यान देना है बिल्कुल कि नए खिलाड़ियों के साथ क्या होता है ना कि अगर रोड पे कूदते उतते आ जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये चीज को ध्यान देना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, बिल्कुल। तो भाई आप भी सीख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में गाड़ी चलाने। गाड़ी में कुछ नहीं करना है जैसा कि हमने को भाई ने बताया, बस क्लच का सिर्फ काम है। क्लच लीजिए, गियर लगाइए और गाड़ी को स्टार्ट करिए। आप नॉर्मली अगर बाइक भी चलाते हो ना तो बाइक में भी आपको क्लच लेकर ही गियर अगर लगाते हो तो क्लच लेकर ही गियर को लगाना पड़ता है, और गियर को छोड़ते भी हो तो क्लच लेके ही। अगर आप गियर न्यूट्रल से हटाते हो तो भी क्लच लेके करना, मतलब क्लच का भाई हर जगह काम है। तो यहाँ भी सेम वही चीज है, बस बाइक में क्या है कि थोड़ा हैंडल उसका सामने का मिल जाता है, और इसमें है कि स्टीयरिंग, इसको स्टीयरिंग देखना पड़ता है बस, बाकी वैसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने ही हम सीखे और आपके सामने ही अभी हम 60 का स्पीड भी देख लिए, आपने जैसा कि देखा है। भाई वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो भाई टॉप स्पीड तो अभी हम नया नया है तो टॉप स्पीड तो नहीं चला सकते, लेकिन तो गाइज आपने देख लिया कि कैसे हम सिर्फ 5 से 7 मिनट का वीडियो में इस गाड़ी को चलाना सीख गया। अब इसका टॉप स्पीड हम टॉप स्पीड नहीं 60 तक स्पीड भी पहुंचा दिए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी, तो प्लीज इसी वास्ते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि गाड़ी से रिलेटेड ही हम वीडियो आपको दिखाते रहते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।